हमारा दिमाग समस्या का समाधान करने वाला एक शक्तिशाली मशीन है। यह हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, समस्या का समाधान करता है, फिर चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी, वास्तविक हो या फिर काल्पनिक। हमारा दिमाग अतीत के अनुभव की तुलना वर्तमान के अनुभव से करता रहता है, ताकि हमें उन बुरे अनुभवों को सहना ना पड़े जो हमने अतीत में अनुभव किए हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में ठीक से सोचता, और इसी सोच की वजह से हम कई बार उस काम को कर ही नहीं पाते और बस सोचते रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम हमेशा हमारे दिमाग में कुछ न कुछ सोचते हैं, इसी वजह से हम कभी एक्शन ही नहीं ले पाते और सोचते ही रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से ट्रिक है जिससे हम अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नंबर वन, बिलीव। किसी भी काम को करने से पहले हमारा दिमाग उसकी पिछली याद में खोजता है कि क्या हमने कभी वो काम किया है या नहीं जो हम करने जा रहे हैं, और अगर करें तो उसे उस काम को करने में कितना मजा आएगा या नहीं आएगा, क्या हमें उस काम को करने में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि आप उस काम को कभी नहीं कर सकते, किसी भी काम को करने में आपको बस असफलता ही मिलेगी, तो आपका दिमाग आपको उसे करने से रोकेगा, आपका दिमाग उस काम को न करने के बहाने देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया और आप गहराई से मानते हैं कि आप कभी भी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, तो आपका दिमाग सोचेगा कि शायद ये बहुत मुश्किल है। आपके दिमाग को लगेगा कि मैं व्यवसाय विषय पर क्यों काम करूं जब कोई सफलता ही नहीं मिलने वाली, इसलिए ये चीज़ टाइम वेस्ट है जो हमें नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आप जो कुछ भी मानते हो, बिलीव करते हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम आपके लिए सचमुच ही आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उस काम को याद करो जो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, पर आपके दोस्त को वो काम मुश्किल लगता है क्योंकि आपका दोस्त मानता है कि ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, जबकि दूसरी ओर आपको लगता है कि ये काम बहुत ही आसान है। तो मेन बात यह है कि आप जिस भी काम को करना चाहते हो, या चाहो बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करो, पहले उसे अपने दिमाग में स्पष्ट करो कि आप उस काम को कर सकते हो। और एक बार अगर आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गई कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो, तो आपके दिमाग को ये लगेगा कि ये काम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी है। नंबर टू, स्मॉल विन। किसी भी काम को करने से पहले, ये मानने से पहले कि आप उस काम को कर सकते हो, आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा और वह स्मॉल विन। हम में से ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम मोटिवेट होकर खुद से बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर देते हैं और जब एक्शन लेने की बारी आती है तब सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मोटिवेट होते हैं और कहते हैं कि आज से मैं हर दिन 4 बजे उठूंगा, या मैं अब से हर दिन 3 घंटे बुक पढ़ूंगा, तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस बात पर टिके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जिस पॉइंट पर मैंने विश्वास के बारे में ऊपर चर्चा की है, वो आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग विश्वास नहीं करेगा कि आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले शायद आपने ये काम कभी किया ही नहीं, और शायद इससे पहले कभी आप 4 बजे उठे ही नहीं, और अगर उठ भी गए हो तो वो बहुत समय पहले, शायद आपके दिमाग को वो बात याद भी नहीं है कि आप पिछली बार कब उठे थे। आप बस सोचते ही रहोगे कि कल उठूंगा। इसलिए इससे लड़ने के लिए मैं आपको 2 मिनट रूल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और उसमें आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका ध्यान उस काम पर नहीं लग पा रहा है, तो आप उस काम को बस 2 मिनट तक करते रहो, जिससे आपके ब्रेन को लगेगा कि ये काम आसान है या कम से कम इसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह उठना है, पॉसिबल लगता है और आप 7 बजे उठते हो, तो आप खुद से कहो कि मैं 2 मिनट पहले उठूंगा, और ऐसे ही आप खुद से रोज बोलो कि मैं 2 मिनट पहले उठूंगा, तो इससे होगा ये कि आप हर रोज 2 मिनट पहले उठेंगे, इससे आप 30 दिन यानी 1 महीने बाद 1 घंटे पहले उठ जाएंगे। ऐसे ही आप हर चीज के लिए कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कमाई करना सीखना है, तो सीधे ये ना सोचिए कि मैं ऑनलाइन कमाई करके 1 लाख 2 लाख रुपए कमाऊंगा। पहले आप सोचिए कि कैसे बस 100 रुपए या सिर्फ 1000 रुपए कमा लूं। इस तरह आपको पहले तो ये बिलीव हो पाएगा कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा और एक्शन लेने में भी मदद करेगा। आपके दिमाग को ट्रिक करते हुए जिसके बाद आपका 1000 2000 लाख पहुंचना भी आसान हो जाए। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भाप के इंजन से ट्रेन चलाने जैसा है। जहां अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है, जो कि समझो आपका अंतिम लक्ष्य है, इस रास्ते में भी कुछ समस्या है जिसे स्पष्ट रूप से आपके दिमाग को ही हल करना होगा। जैसे उस स्टीम इंजन वाली ट्रेन को चलाने के लिए कोयला भरना पड़ता है, नहीं तो आपकी ट्रेन बीच में ही रुक जाएगी। ठीक उसी तरह आपको उस काम से जुड़ी नई जानकारी अपने दिमाग में डालनी होगी, ताकि आपका दिमाग
सही दिशा में काम करता रहे। और ये ट्रेन बहुत ही आसानी से अपना पटरी बदल सकती है, यानी अगर अपने दिमाग में सही जानकारी सही विचार नहीं रखेंगे तो आप अपनी समस्या का समाधान करते हुए अपने ट्रैक पर नहीं टिक पाएंगे। वहीं अगर आप बीच बीच में उसे ऐसी जानकारी देते रहेंगे जो उसके काम से जुड़ी ही नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया चेक करना, गेम खेलना, तो आपके दिमाग को लगेगा कि ये समस्या ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे बहुत देर तक इस नए काम के बारे में जानकारी मिल रही है। इसकी वजह से आपका दिमाग गलत पटरी पर आ जाएगा। हमेशा याद रखो, आपका दिमाग उस पर ज़्यादा ध्यान देता है जिसके बारे में आप उसे ज़्यादा और रेगुलर अपडेट्स दोगे। जैसे कि अगर आप उसे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ज़्यादा देते रहोगे तो आपका दिमाग हेल्थ में ज़्यादा सोचेगा, पर अगर आप उसे फालतू जानकारी देते रहोगे तब तो वो फालतू चीज़ें ही करता रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली उसे वही जानकारी देते रहो जो उसके लिए ज़रूरी है, जिसकी मदद से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्शन लेते रहे।